महाराष्ट्र में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, शिवाजी पर शिवसेना जमकर राजनीति कर रही है। एक तरफ शिवसेना शिवाजी के वंशज का अपमान करती है तो दूसरी तरफ उनको भगवान मानती है, यानी उद्धव का दो चेहरा। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने नए विवाद को हवा देकर बीजेपी से फिर दुश्मनी मोल ले ली है। इस बार उनके निशाने पर पीएम मोदी और अमित शाह है। राउत ने फिल्म तानाजी के ट्रेलर का आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित रूप से राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रेलर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विश्वसनीय सैनिक तानाजी मालसूरे के तौर पर दिखाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उदय भान सिंह राठौर के तौर पर दिखाया गया है। अब इस ट्रेलर पर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्रेलर को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी है। संजय राउत ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का दुरुपयोग सही नहीं है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल एक वेबसाइट ने वीडियो अपलोड की है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में तानाजी ने पुणे स्थित सिंगर्ड किला के लिए 4 फरवरी 1670 में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। किला राजपूत सैनिक उदय भान सिंह राठौर के कब्जे में था, जिसका नेतृत्व मुगलों के सहयोगी महाराजा जय सिंह करते थे। वीडियो में सिंगर्ड की लड़ाई और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच तुलना की गई है और इसी पर शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस में बवाल इतना बढ़ गया कि उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों ने हाईकमान से शिवसेना की शिकायत की है। शिवसेना और कांग्रेस में ऐसी ठन गई है कि दोनों दल के नेताओं द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले संजय राउत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बारे में बोलकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से मिलने मुंबई आती थी, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा संजय राउत को जमकर लतार लगाई गई। दो दिन बाद फिर संजय राउत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि जो लोग वीर सावरकर का विरोध करते हैं उन्हें दो दिन के लिए अंडमान के उसी जेल में भेज देना चाहिए जहां वीर सावरकर को रखा गया था। इसके बाद बवाल इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके शिवसेना को संभल कर बोलने की चेतावनी दी। शिवसेना और कांग्रेस में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही हाल रहा तो गठबंधन टूटना तय है। अब इसको देखते हुए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी द्वारा एक फैसला लिया गया है ताकि गठबंधन की सेहत पर कोई असर ना पड़े। उद्धव सरकार के मंत्रियों में मनभेद और मतभेद खत्म करने के लिए महाविकास अघाड़ी समन्वय समिति का गठन किया जाएगा ताकि सरकार में रोज आ रही परेशानियों को हल किया जा सके। इसमें प्रमुख मंत्रियों को भी जगह दी जाएगी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि ये समिति कितना असरदार होगी, क्योंकि सरकार बनने से पहले तीनों दलों द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाई गई थी और नेताओं को विचारधारा पर बोलने से मना किया गया था, लेकिन विचारधारा पर तकरार चरम पर है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी हवा निकल गई है। अब समिति बनने के बाद क्या फर्क आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। एक तरफ बीजेपी साफ कर चुकी है कि ये बिल वापस नहीं होगा, जबकि कांग्रेस और तमाम पार्टियां इसको राजनीतिक रंग देने में जुटे हैं। कुल मिलाकर वोट बैंक की सियासत हो रही है, लेकिन बीच में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पीके ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि वो अगर विरोध की परवाह नहीं करते हैं तो सीएए एनआरसी लागू करने पर आगे बढ़ें। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि नागरिकों की असहमति को खारिज करना किसी भी सरकार की ताकत को नहीं दर्शाता है।
अमित शाह जी, अगर आप CAA NRC का विरोध करने वालों की फिक्र नहीं करते हैं तो फिर आप इस कानून पर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। आप कानून को उसी तरह लागू करें जैसे कि आपने देश को इसकी क्रोनोलॉजी समझाई थी। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष को जमकर लतार लगाई थी। शाह ने कहा था कि CAA कभी भी वापस नहीं होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर ने CAA पर BJP के खिलाफ बोला हो। अब सवाल है कि जब बिहार में और दिल्ली में BJP JDU के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है तो प्रशांत किशोर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये नीतीश कुमार की किसी रणनीति का हिस्सा है? शिवसेना नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे के परिवार के बीच खाई बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के CM बनने के बाद से ही संजय राउत नाराज चल रहे हैं। ठाकरे परिवार को लगता है कि संजय राउत अपने कद से ज्यादा ऊंचे हो गए हैं और उन्हें अनुशासित करना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि जब उद्धव ठाकरे CM बनने के इच्छुक नहीं थे और आदित्य ठाकरे को युवा समझकर नज़रअंदाज किया जा रहा था, तब संजय राउत CM बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। राउत ने शरद पवार को भी सेट कर लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने संजय राउत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे की पत्नी और ससुर ने उद्धव को पद संभालने के लिए मना लिया। इसके बाद संजय राउत के भाई को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जिससे संजय राउत काफी नाराज हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बना ली। कहा जा रहा था कि संजय राउत के भाई सुनील राउत को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ठाकरे परिवार के सदस्यों ने इस बात का विरोध किया, जिसे उद्धव ने मान लिया। इसके बाद ही संजय राउत बेलगाम होकर ऐसे बयान देने लगे जिससे गठबंधन टूट जाए। खास बात यह है कि इसमें उनका साथ कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान भी दे रहे हैं। चौहान उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद NCP के खाते में गया तो चौहान ने स्पीकर पद पर दावा ठोक दिया, लेकिन शरद पवार के विरोध के कारण उन्हें स्पीकर का पद भी नहीं मिला। यही वजह है कि चौहान ने अचानक वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, जिस पर संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न देने की निंदा करने वालों को अंडमान के उसी जेल में भेजने की बात की जहां वीर सावरकर को रखा गया था। राउत ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा था। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई के डॉन करीम लाला से मिलने मुंबई आती थी और अपने सूत्रों के माध्यम से राउत ने इंदिरा गांधी और करीम लाला की मुलाकात की कुछ फोटो भी लीक करवाया। संजय राउत ने गठबंधन सरकार की डोर पर हथौड़ा चला दिया, जो गठबंधन सरकार के लिए काफी घातक था, लेकिन आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से मिलकर मामले को सुलझा लिया। महाराष्ट्र के महाअघाड़ी सरकार में इन दिनों खींचतान चरम पर है। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी के सुर तेज हैं। संजय राउत सीधे गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पृथ्वीराज चौहान शिवसेना पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच संजय राउत ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या की यात्रा करने वाले हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सत्ता में 100 दिन पूरे होने के मौके पर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा है कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अयोध्या चले। आपको बता दें कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन फिर शिवसेना ने BJP से अलग होकर कांग्रेस और NCP के साथ सरकार बना ली। राज्य में तेजी से बदले राजनीतिक हालात के चलते उद्धव अयोध्या नहीं जा सके, लेकिन संजय राउत के मुताबिक अब वो अयोध्या जाने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी भी उनके साथ अयोध्या जाते हैं या नहीं। बहरहाल ये माना जा रहा है कि शिवसेना ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुसलमानों के कहने पर सरकार बनाई है।
इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों के कहने पर ही सरकार बनाती है, हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के इस आरोप का असर शिवसेना पर भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस शिवसेना के साथ ही सरकार में शामिल है और शिवसेना हिंदुत्व विचारधारा पर चलती है। इसी के जवाब में शिवसेना द्वारा उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने का बयान दिया गया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि राउत ने इसमें राहुल गांधी को भी लपेट लिया है। नागरिकता संशोधन कानून पर दाखिल 140 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस बोबड़े की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सीएए को चुनौती देने वाले पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस कानून को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सीएए पर फिलहाल कोर्ट तुरंत रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसकी अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद फिर से की जाएगी। विपक्ष की ओर से सिब्बल ने कहा कि नागरिकता देकर वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए इस कानून को 2 महीने के लिए निलंबित कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएए पर किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। बहरहाल सरकार के लिए ये अच्छी खबर है और विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया। विपक्ष की दलील कोर्ट के सामने नहीं टिकी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लाख कोशिशों के बाद भी सीएए पर रोक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।